मैं डॉक्टर वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूं वीरेंद्र आयुर्वेदा चैनल पर। मैं प्याज के बारे में आपको बतलाना चाहता हूं। जैसे मैं आयुर्वेद से बीएमएस का डिग्री लिया हूं और बहुत दिन से रोगियों को सेवा करते आ रहा हूं। और मैं कलांडू यानी प्याज एक आयुर्वेद का औषधि है और इसमें प्याज में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, लौह, विटामिन ए बी सी पाए जाते हैं और इसमें एक उड़नशील तेल होता है, उसमें गंधक भी पाए जाते हैं। बाहरी प्रयोग कहीं चोट हो या मूछ हो या 80 प्रकार के व्याधियां होती है, सभी 80 प्रकार के व्याधियों में इसका लेप अगर किया जाए तो दर्द को नाश करता है। कान में अगर सूल हो तो इसका सोरस कान में डालते हैं, उससे भी कान का दर्द आराम मिलता है। या आँख से कम दिखाई देता हो, इसका सोरस मधु में मिलाकर अंजन करते हैं या आँख में एक बूंद डालते हैं, उससे भी आँख का रोशनी तेज होता है। मैं आपको अब अभ्यंतर प्रयोग बतला रहा हूँ। नाड़ी संस्थान 80 प्रकार के जो बात व्याधि होते हैं उसमें सभी में काम करता है। ये आम बात हो या संधि बात हो या चोट का दर्द हो या मूंछ का दर्द हो, सभी में काम करता है। अब पाचन संस्थान अग्निमांड यानी भोजन को पचाता है, गैस पेट में नहीं बनने देता है, भोजन को तुरंत पचाता है, मल को बाहर निकालता है, यानी विबंध और कब्जियत में भी इसको देते हैं, अर्श में भी इसको प्रयोग करते हैं। या नाक से ब्लड आ रहा हो या बवासीर का ब्लड गिर रहा हो उसमें भी प्याज का सौरभ बहुत अच्छा काम करता है। अब आपको श्वास संस्थान पर बतलाने जा रहा हूँ। ये कफ को बाहर निकालता है, यानी कफ सीने में जो कफ होता है वो बलगम को बाहर निकालता है। और प्रजनन संस्थान यानी मूत्र संस्थान पर यह जो है मूत्रल है या मूत्र को बाहर करता है, या बातज मूत्रकृच में एक अच्छा लाभ करता है, या आर्तो एमसी यानी औरत को जो आर्तो कम मात्रा में आता है उसको भी ये बढ़िया से खुलासा करके बाहर निकालता है। त्वचा पर कंडू या चर्म रोग पर इसमें गंधक की मात्रा भी होता है जो अच्छा काम करता है। और कलेब या कलेब को मतलब हुआ नपुंसकता या बाजीकर्ण में भी इसका उपयोग होता है। और इसका मात्रा आपको बतला दे, इसका कंद प्याज का कंद लेना चाहिए, वह 10 मिलीग्राम से 30 मिलीग्राम के अंदर ही लेना चाहिए और इसका बीज 1 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक लेना चाहिए। इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो पर टिप्पणी या शेयर अवश्य करें और आप हमारे स्क्रीन पर पीछे भी देख सकते हैं रोग के बारे में। धन्यवाद।